Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu, Madam Anuradha Gupta Ji. My name is Sulbha Mahajan, teacher from DGHS Batoh, District Ramban. आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल क्या होता है. ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड मतलब जो सारी साइड से बंद हो. ठीक है, अगर ये हो तो अभी थ्री साइडेड फिगर तो है, हो सकता है वो खुली हो एक साइड से भी, तो उसको हम ट्राइंगल नहीं बोल सकते. ट्राइंगल एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए जिसके थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस जो है होंगे. इसके थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन. आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज. दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब वो सेम शेप हो उसकी और सेम ही उसका साइज हो. टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दो लाइन सेगमेंट है उनकी सेम लेंथ है इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है. और टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट पहले से ही बोली हुई है इसका मतलब है कि उनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी. सेम इन द केस ऑफ एंगल्स है, अगर उनकी सेम मेजर है, जितने का एक एंगल है उतने का ही दूसरा एंगल है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है. अगर पहले से ही बोला है कि वो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है उनकी मेजरमेंट क्या है, सेम है. अब हम इसके कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ेंगे. सबसे पहले है एस एस एस. एस एस स्टैंड फॉर साइड साइड साइड. हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं जब उनकी तीनों साइडें बराबर हो. देखो ऐसे दो ट्राइंगल दिए हैं, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी वाली जो है वो डी एफ के बराबर है. इसमें एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा और ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट वन इज एस ए एस. अभी मैंने बताया एस जो है वो साइड के लिए स्टैंड करता है. अब बीच में आ गया एंगल, यानी कि एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड. अगर ऐसा है दो ट्राइंगल्स में तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. वो हमारे पास दो ट्राइंगल दी हैं, इसकी साइड ये वाली इसके बराबर है, ए बी बी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और इसका एक इंक्लूडेड एंगल एंगल बी और जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. अब है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल. जैसे कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इसमें एक एंगल एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एक साइड एंगल बी सी साइड और ई एफ साइड बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है. इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है इसमें, ए एस ए. नेक्स्ट है ए ए एस, यानी कि पहले एंगल फिर से एंगल फिर साइड. अब एंगल ए इन दो फिगर्स में देखो ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ. इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है इसमें, ए ए एस. अब बारी आ रही है आर एच एस. आर एच If in two right triangle, the hypotenuse. अब पहले हम right triangle की बात करते हैं. ऐसा triangle जिसमें एक angle क्या होता है, 90 degree. अगर दो right triangle हैं हमारे पास, अगर उनकी hypotenuse दोनों की बराबर हो और one of the side जो है बराबर है, तो उस triangle को भी हम दोनों triangles को क्या बोलते हैं, congruent बोलते हैं. और इसमें included angle कौन सा है हमारे पास, 90 degree. तभी तो ये right triangle है. इसमें राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, वन ऑफ द साइड जो है वो बराबर होना चाहिए. इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगता है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या है स्टेटमेंट, से टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ. हम टू लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उनकी क्या होती है, सेम लेंथ. क्या होती है, सेम लेंथ, दे हैव द सेम
लेंथ. सेकेंड वन इज अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन हैज द मेजर ऑफ 70 डिग्री. हमारे पास टू कॉन्ग्रेंट एंगल है जिसमें से एक की मेजरमेंट क्या है 70 डिग्री. बताओ कि दूसरे एंगल की मेजरमेंट क्या है. पहली बात ये तो कॉन्ग्रेंट एंगल है. कॉन्ग्रेंट एंगल में अगर ये कॉन्ग्रेंट है एक की मेजरमेंट जो होगी दूसरे की मेजरमेंट भी वही होगी. अब इसमें कितनी मेजरमेंट बोली है 70 डिग्री. इट मीन्स कि दूसरे की भी मेजरमेंट क्या है 70 डिग्री. व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इसका एक्चुअली में मतलब क्या है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी का मतलब है मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी. मेजर ऑफ एंगल ए का मतलब है जितना जितने डिग्री का एंगल ए होगा उतने ही डिग्री का क्या होगा एंगल बी. अब हमारा क्वेश्चन है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स. हमने टू एग्जाम्पल देनी है कॉन्क्रीट शेप की जो एक जैसी दिखती हो. अब देखो हमने मैंने लिखा है बिस्किट इन द सेम पैकेट. मैं कोई भी बिस्किट खरीदती हूँ कोई भी तो उसके अंदर के सारे बिस्किट जो हैं वो एक जैसे लगते हैं. यानी कि वो क्या उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो वो क्या है कॉन्क्रीट शेप है. वो एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट शेप के लिए. वैसे ही नोटबुक कोई भी नोटबुक ले लो उसकी जो शीट्स होती हैं वो बीच में से चाहे फर्स्ट शीट निकालो लास्ट निकालो बीच में से निकालो फोर्थ निकालो फिफ्थ निकालो वो सारी की सारी शीट क्या होती है सेम होती है. वो भी क्या है एग्जांपल है कॉन्क्रीट शेप की. अब ऐसे ही आपने अपने आसपास नजर दौड़ानी अपने बैग में अपने घर में देखना है ऐसी कौन सी शेप्स हैं जो कॉन्क्रीट हैं और अपनी नोटबुक पे लिखना है. अब हमें गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एफईडी. जो ये दोनों ट्राइंगल हैं कॉरस्पॉन्ड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं हमें बताने कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं. देखो अब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है. इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल एफ बी एंगल ई के एंड एंगल सी एंगल जी के. सिमिलरली जो ए बी साइड है वो ई एफ ई के बराबर ए सी एफ डी के एंड बी सी ई डी के. क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी ए राइट द पार्ट ऑफ बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड टू. अब हमें क्या क्या देखो ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिया है. अब हमें बताना जो एंगल ई है इट मीन्स कि ये वो किसके उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है एंगल ई और एंगल सी. वैसे ही जरूरी नहीं है कि ई दिया हो अगर डी की बात की होती तो एंगल बी के एंगल एफ की है तो एंगल सी की. जो उन्होंने पूछा है हमें सिर्फ वही बताना है. ई एफ साइड ई एफ इज दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट सी ए एंड डी एफ दिस वन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू. अब ये रह गए हो सकता है पेपर में यही आ जाए डी ई दिस वन किसकी होगी सी के बराबर. आज हमने जो पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे सारे कॉन्ग्रेंसी के रूल अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज किया है उसको सॉल्व करेंगे कॉपी पे और जो एग्जांपल पार्ट है उसमें भी देखेंगे कि क्या किया है क्या वो सॉल्व होते हैं हमसे कि नहीं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.